हरियाणा विधानसभा चुनावों का दौर शुरू हो गया है और इसी बीच होडल से बीजेपी को कांग्रेस ने तगड़ा झटका लगाया है। होडल में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की अध्यक्षता में कई गांव के सरपंचों ने बीजेपी पार्टी को अलविदा करते हुए कांग्रेस का दामन थाम लिया। इस मौके पर सरपंचों ने विधायक जगदीश नायर पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में गांव का विकास सिर्फ कागजों में ही हुआ है। इसके अलावा ना तो उन्हें पार्टी में मान सम्मान मिला और ना ही पार्टी में उनकी कोई सुनवाई हो रही है। हम अपने पुराने घर में वापस आए और हमारे अध्यक्ष साहब के साथ साथ पारिवारिक संबंध है, राजनीतिक संबंध नहीं है। कुछ विशेष परिस्थिति थी जिस कारण हम वहाँ गए, लेकिन वहाँ हमें किसी प्रकार की कोई संतोषजनक ना बात मिली ना कोई कार्य। क्या गांव में आप जो विकास कार्यों के लिए कुछ सरकारी तरफ से आपको मिला नहीं मिला, क्या कारण रहे? कागज में तो बहुत है लेकिन धरातल पर जीरो, कुछ भी नहीं। कांग्रेस पार्टी को समर्थन किया, वैसे तो हमारा पहले परिवार एक ही है, घर ही है, अपने घर में वापसी हमारा आना हुआ है और हमने अपने अध्यक्ष की निगरानी में अपने पार्टी कांग्रेस पार्टी को समर्थन किया है। तो आप तो कांग्रेस पार्टी के प्रति कार्य करना आरंभ कर दोगे? जी बिल्कुल, आज से अध्यक्ष साहब जो आदेश करेंगे उस आदेश का पालन करेंगे। आधी रात अपने कांग्रेस पार्टी के लिए जुड़े हुए हैं, आधी रात कार्य के लिए खड़े हैं। सरकार ने इतनी बुरी हालत की थी सरपंचों की, चंडीगढ़ बुलाकर लाठियों से पीटा था सरपंच। ये सरपंच साथी कोई उसको नहीं भूला है, उस दिन को सबको याद है। ये सरकार पोर्टल की सरकार है, सिर्फ पोर्टल पे चलाती है, धरातल पे कोई भी काम नहीं है। हम सब सरपंचों को 2 साल सरपंच बने हो गए, आज तक गाँव में कोई विकास नहीं है, सिर्फ जीरो विकास है। सरपंच को इतनी पावर नहीं थी कि नाली बना दे, तो ये सब सरपंच अपनी आत्माओं से दुखी थे सरकार से और ये सब सरकार को फाड़ फेंकना चाहते थे। इसलिए सब साथियों ने आज मिलकर ये फैसला लिया है कि हम सब सरकार के साथ हैं, कांग्रेस सरकार के साथ रहेंगे तन मन और धन से, सारे सरपंच साथ। सरपंच साहब आप कि हमारे जो प्रदेशाध्यक्ष रणबीर सिमेन जी, उनके हम पे आदेश है कि सारे साथी कांग्रेस के साथ मिलकर रहें और तन मन धन से कांग्रेस की मदद करें। पार्टी में शामिल होने पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने विश्वास दिलाया कि कांग्रेस पार्टी में उन्हें पूरा मान सम्मान मिलेगा और उनके गांव की समस्या का समाधान भी किया जाएगा। उदय भान ने कहा कि जब से बीजेपी सरकार आई है तभी से अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। कौशल विकास रोजगार निगम का MDB भ्रष्टाचार में सस्पेंड हुआ है। इन सारे हालात को देखते हुए आज सारे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की तरफ लोगों का, कार्यकर्ताओं का, नेताओं का बहुत झुकाव हुआ है। यही कारण है कि करीब लगभग 45 पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, 3 इंडिपेंडेंट MLA, 1 JJP का MLA हमारी पार्टी में शामिल हुए, हमारे साथ हुए और कितने ही सैकड़ों प्रतिदिन जिस तरह से इनके जो पदाधिकारी थे, चाहे BJP के, चाहे JJP के, चाहे NLO के, चाहे आम आदमी पार्टी के, हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। हर दिन पूरे प्रदेश के अंदर हमारे जिला पार्षद, हमारे ब्लॉक समिति पार्षद, हमारे सरपंच साहिबान, हमारे नगर पालिका के सदस्य, नगर परिषद के सदस्य, मेयर और नगर निगम के पार्षद तक भी हमारी पार्टी में निरंतर शामिल हो रहे हैं। आज मेरे विधानसभा क्षेत्र होडल से दर्जनों जो हमारे साथी जो सरपंच साहिबान हैं, आज उन्होंने हमारे साथ शामिल होकर के अपना समर्थन, अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। उसके लिए मैं सभी साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ और उनका जो ये निश्चय, जो सही समय पर जो सही फैसला है, वो इस इलाके के भविष्य के लिए, हमारे इस प्रदेश के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा सहयोग प्रदान करेगा। मैं सभी का अपनी पार्टी में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे इसमें जो मरवली गांव से सरपंच है महेश, जो इनके सरपंच यूनियन के जिला अध्यक्ष भी हैं, वो आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जो ब्लॉक अध्यक्ष हसनपुर ब्लॉक के हैं, रॉकी सरपंच गराना, वो आज हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। हमारे पप्पू सरपंच हरबी से, हमारे ओमी सरपंच बांसवा से, गौड़ता से हमारे बहादुर सरपंच, हमारे प्रदीप सरपंच डकोरा से, हमारे सरपंच सुरेश सरपंच गुधराने से, संजीत सरपंच हिदायतपुर से, जो जिला के उपाध्यक्ष भी इनके यूनियन के, सरपंच मनोज कमरावली से जो प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं सरपंच यूनियन के, विजय चेची पराली से, डाड़के से हमारे यूसुफ सरपंच, ये आज हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं इनका पार्टी की तरफ से बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, इनका बहुत बहुत
अभिनंदन करता हूँ और मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है कि इनके मार्गदर्शन में, इनके मई में, इनकी मेहनत से हमारा इलाके का भविष्य आगे बनेगा। धन्यवाद, बताइए। उदयवान ने कहा कि भाजपा की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है, अब की बार हरियाणा में पूरे बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाएगी। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि उदयवान का ये दावा सच साबित होता है या फिर नहीं। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।